और अब आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल का आज 1809 में फ्रांस में जन्म हुआ था। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने की तकनीक है, जिसमें कागज पर अक्षरों के उभार को छूकर उसे पढ़ा जाता है। आपको बता दें कि एक हादसे की वजह से 5 साल की उम्र में ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई थी, और आगे चलकर ब्रेल ने फ्रेंच आर्मी के उस कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी किया जिसमें इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल युद्ध के दौरान सेना द्वारा किया जाता था। हालांकि नाइट राइटिंग नामक ये तकनीक काफी जटिल थी, लेकिन ब्रेल ने इस तकनीक से प्रेरणा लेकर ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। माना जाता है कि 15 वर्ष की उम्र में ही ब्रेल ने इस क्रांतिकारी लिपि को विकसित कर लिया था और इसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में किया जाता है। 1847 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर की बिक्री शुरू की थी। कोल्ट ने अमेरिकी सरकार को अपनी पहली रिवॉल्वर बेची थी और यहीं से पहली बार बड़े पैमाने पर रिवॉल्वर का उत्पादन शुरू हुआ था। आपको बता दें कि मशहूर कोल्ट रिवॉल्वर का नाम सैमुअल कोल्ट के नाम पर ही आधारित है। 1994 में आज मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन का निधन हुआ था। 1960 से 1990 के दशक तक आर.डी. बर्मन यानी पंचम दाने 331 फिल्मों में संगीत दिया। राहुल देव बर्मन जाने माने संगीतकार सचिन देव बर्मन के बेटे थे। 9 साल की उम्र में राहुल देव बर्मन ने अपना पहला गीत 1956 में आई फिल्म फंटूश के लिए कंपोज किया था। आर.डी. बर्मन के बारे में कहा जाता है कि अपने संगीत की रचना के मामले में वो अपने वक्त से काफी आगे थे। और वर्ष 2010 में आज ही के दिन दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का भव्य उद्घाटन हुआ था। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण में 55,000 टन स्टील और 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। बुर्ज खलीफा में 160 से ज्यादा फ्लोर्स हैं, 57 एलिवेटर्स हैं और 8 एस्केलेटर्स हैं। बुर्ज खलीफा के नाम पर कई रिकॉर्ड्स भी हैं। इसमें लगाई गई लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स में से एक है। दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी बुर्ज खलीफा में ही है। और खास बात यह है कि बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपरी हिस्से का तापमान नीचे की तुलना में 6 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। और ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर मंजिल पर खड़े होने के बाद आपको कुछ इस तरह का दृश्य यानी ऐसा व्यू नजर आएगा। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, जागरूक रहिए और अपने मन में पॉजिटिव सोच की ऐसी इमारत खड़ी कीजिए जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची हो। नमस्कार।